धर्म की आड़ में हिंसा फैलाकर लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर देना, ये कोई नई बात नहीं है। रोजाना ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिसमें किसी धर्म विशेष के नाम पर हिंसा फैलाकर लोगों की हत्या कर दी जाती है या मारने की धमकी दी जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। इंदौर के चंदन नगर में करीब 50 साल पुराने शीतला माता मंदिर की मरम्मत और साज सज्जा की तैयारियां चल रही थी। इसी दौरान वहां वर्ग विशेष के कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने तैयारियां रोक दी। साथ ही वे महिलाओं से विवाद करने लगे और धमकी देते हुए कहने लगे कि मंदिर यहां से ले जाओ, नहीं तो वो सबकी हत्या कर देंगे। जिसके विरोध में महिलाएं और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने चंदन नगर थाने का घेराव कर बदमाशों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही हिंदूवादी संगठन ने बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मारपीट करने वाले लोगों की पहचान कर उन पर कार्यवाही का आश्वासन दिया। वहीं चंदन नगर इलाके में सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। अब यहां पुलिस के पहरे में मंदिर निर्माण किया जाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।